कॉलेज एडमिशन एक्सपीरियंस, सभी बच्चों का सपना होता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना, लेकिन सपना पूरा करने के लिए आपको कुछ कार्य करने होते हैं। सपना ऐसा तो नहीं कि सपना आपका सीधा है पूरा हो जाए। इट्स नॉट फिजिबल इफ यू डोंट प्रिपेयर और यू डोंट प्लान और यू डोंट मेक स्ट्रेटजीज एंड व्हाट शुड बी द टिप्स एंड ट्रिक्स। किसी भी एग्जाम में जैसे मैंने बताया अभी, जैसे आपने अभी 10+2 के एग्जाम्स दिए तो आपने पर प्रिपरेशन की, तैयारी की, टाइम टेबल बनाया, टॉपिक्स को देखा और आफ्टर ऑल आपने एग्जाम का पैटर्न देखा, सिलेबस देखा। ठीक उसी प्रकार आज, क्योंकि हम अब आपका CUET का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन आपको 30 वीडियोस मिलेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और मैं पिछले 31 साल से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्कूल लेवल के लिए, कॉलेज के लिए। और ये मेरा विश्वास है कि जो मैं कार्य आपको कराऊंगा दैट विल बी यूनिक ऑन YouTube। हो सकता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स रहे, और क्योंकि टेक्निकल साधन कम है मेरे पास, बट कंटेंट विल बी ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एक्साइटेड एंड मोस्ट सॉर्ट आफ्टर। मैं आज आपको वो स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ, 10 स्ट्रेटजीज जो आपको वीडियोस, हम भी उसी हिसाब से आपको वीडियोस दिखाएंगे, उसी हिसाब से आपका सिलेबस कराएंगे, उसी हिसाब से आपने भी तैयारी करनी है आपके कॉलेज की एडमिशन के सफ़र में। मैं आपको जो ना आपके साथ रहूँगा, और मैं हूँ आपका इंग्लिश एजुकेटर MS यादव प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंग्लिश का सिलेबस, जो आप आई बटन में जाके पीछे देख सकते हैं, उसके अंदर जो सिलेबस है वही सिलेबस आता है एग्जाम में, लेकिन कैसे आता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको कैसे किया जाता है दैट इज मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स टू बूस्ट योर स्कोरिंग इन इंग्लिश पेपर। इंग्लिश का पेपर आप सभी को मालूम है 200 नंबर का होता है, 200 नंबर आपके 800 में से 25% मार्क्स हैं, और इन 25% मार्क्स को आप ये नहीं कह सकते कि मैं डोमेन स्पेसिफिक तैयारी कर लूँगा तो आई विल रिकवर। नो नो नो, यू कैन नॉट रिकवर 25% मार्क्स, सो यू विल हैव टू प्लान फॉर इंग्लिश आल्सो। इट इज़ कन्फ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स दैट दे नो इंग्लिश वेरी वेल, बट आई डोंट फील सो, बिकॉज आई हैव बीन एनकाउंटरिंग टू डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट स्टूडेंट्स। दे क्लेम बट फॉर द टेस्ट लाइक CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई NTA 2024 इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी केक वॉक फॉर यू, इट विल बी ए बिग पेपर। And the pattern names will be very simple, symbols will be very simple, but questions will not be simple. So to understand how to score 200 marks in CUET, let's move and discuss some important strategies. Let's go to our laptop. Before that, subscribe the channel, hit the bell button, so that you may get all notification of all videos on complete preparation of CUET English paper 2024. Let's move to the laptop. As you are looking the title, strategies, we are going to discuss 10 strategies. 10 strategies होंगे, उसके मेजर पॉइंट्स होंगे और
मैं तकरीबन आपको उसमें 30 वीडियोज बनाऊंगा आपके उन्हीं टॉपिक्स में। तो ग्रामर के लिए आप चैनल पे जाके कुछ टॉपिक्स, 5-6 टॉपिक मैंने उस पर किए हुए हैं, जैसे वॉइसिस है, नरेशन है, टेंसिस है, आर्टिकल्स है, मॉडल्स हैं, ये हमने वहाँ वर्ब्स हैं, ये सारी वहाँ हमने डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं। तो यू कैन कंसल्ट दोस, बट दोस पॉइंट्स ऑफ ग्रामर वर बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, नाउ यू आर लीविंग स्कूल, अब आप स्कूल छोड़ रहे हैं, तो आपको टॉपिक इज सेम, बिकॉज टेंसेस, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नरेशन, वॉइसिस, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इनको करने चलेंगे एग्जाम में, यू विल फाइंड डिफरेंट सेंटेंसेस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो उस बात को समझना और उस बात पर तैयारी करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको ये जो ना 10 स्ट्रेटजीज मेन मेन है वो हम बताएंगे इंग्लिश की तैयारी CUET की कैसे करें। आप सबसे पहले टू स्क्योर 200 मार्क्स इन CUET इंग्लिश पेपर, ये 10 स्ट्रेटजी बताई है। स्ट्रेटजीज बताने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है। आपको 45 मिनट्स मिलेंगे बच्चों, 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है, और 45 मिनट ड्यूरेशन हो गई, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस नीड्स टू बी अटेम्प्टेड, इट मीन्स 40/50, और 40 क्वेश्चंस का मतलब है 40 × 5, 200 मार्क्स। 200 नंबर क्यों? सबसे पहली बात तो ये, मार्किंग स्कीम कैसे होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। मार्किंग स्कीम, इसके अंदर एक करेक्ट आंसर के आपको 5 नंबर, एक इनकरेक्ट आंसर के आपको नेगेटिव मार्किंग -1 मिलेगी, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए। और जो ना 100 मार्क्स का जो ना रिव्यू, अनआंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू विल बी 100 मार्क्स। सबसे पहले अब हम स्ट्रेटजीज पे आते हैं। स्ट्रेटजीज, सबसे पहले हमको एग्जाम का पैटर्न समझना होता है, एग्जाम का पैटर्न समझना होता है। तो एग्जाम के पैटर्न में मैं आपको बता दूं पहले ही, आपको आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, फर्स्ट पार्ट कह सकते हो आप, उसमें अनसीन पैसेज आएगा, जैसे CBSE में आता डेटा, डेटा बेस्ड और एक्चुअल डिस्क्रिप्शंस और लिटरेरी पैराग्राफ, इस प्रकार के आएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स में आपको 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस का मतलब है अगर आपके 20 ठीक हो जाएंगे, 20 × 5, तो आपके 100 मार्क्स तो यही हो गए। और उसके बाद 30 क्वेश्चंस, उसके बाद आपके 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस और आएंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स पर आएंगे, उसमें आपकी सारी ग्रामर आ जाएगी, सारी ग्रामर, वोकेबलरी, इडियम्स, एवरीथिंग 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 विच यू नेवर थॉट, वो भी चीजें आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। इसलिए जैसे पिछले साल एग्जाम में आ गया था कि फॉर्मल लेटर की कौन सी 7 C's होते हैं, अब 7 C's आपने मालूम ही नहीं है, आंसर कहाँ से देंगे। इसलिए मैं आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको 100% अपनी नॉलेज के हिसाब से इंग्लिश में क्या क्या आता है वो सारा आपको सिखा। ओके, तो 30 + 20 = 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए,
अब उसमें अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। वो एग्जाम की स्ट्रेटजीज है, वो एग्जाम के टाइम आपने स्ट्रेटजी बनानी है। बिफोर एग्जाम मेन पॉइंट क्या है, मेरा कहने का मतलब है तीन प्रकार की स्ट्रेटजी जो हम मेनली हम आपको बताएंगे, वो तीन प्रकार की स्ट्रेटजी होंगी। एक तो बिफोर प्रिपरेशन, तैयारी करने से पहले, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और ड्यूरिंग एग्जाम। ये तीनों चीजें हम आपको टाइमली जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे हम बताते जाएंगे। आज हम पहले जो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही और प्रिपरेशन टू पॉइंट्स वी विल डिस्कस, वन एंड टू। तो व्हाट इज द मेन थिंग, वोकेबुलरी। देखो क्या होता है जनरली बच्चों, वोकेबुलरी इज नॉट ए केक वॉक। ये इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन इन वन सिंगल डे यू कैन प्रिपेयर फॉर वोकेबुलरी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो इसकी इसका करने का तरीका क्या होता है, आप मैक्सिमम जो ना रीडिंग करें, आज से ही न्यूज़पेपर लगा लें। और अच्छा पेपर लगाना द हिंदू, मैं आपका एडवाइज करूंगा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े। और उसमें आजकल जो इवेंट जो भी चल रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शन होंगे, बहुत बहुत से लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक मैंने अभी जो ना पढ़ा भी था मैसेज यूजीसी के चेयरमैन का, कि जिस दिन डेट को जैसे 20 को है 22 को इलेक्शन है, वो डेट के आपके एग्ज़ाम आगे पीछे पोस्टपोन होंगे। डेट 26 मार्च है, ये भी ध्यान रखें, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद आपकी जो ना ग्रामर पे मास्टरी होनी चाहिए, जितनी भी ग्रामर के रूल है, पैसिव वाइज है, एक्टिव वाइज है, कन्वर्सेशन है, क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशंस हैं, फ्रेजिज हैं, फ्रेजल वर्ब है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहले तो वोकेबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वर्ड, उसके बाद एनालॉजिकल रीजनिंग भी आएगी उसमें। प्रैक्टिस सॉल्विंग एनालॉजी की सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स जैसे साइंस के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, ये हम आपको डिस्कस कराएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ई क्यू आर एस, ये एनालॉजी होती है, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी जितनी भी हैं वो आपको आनी चाहिए। फॉर्मल लेटर, लेटर राइटिंग, यानी जो राइटिंग स्किल्स भी आपने सीखा ना, उसमें क्या क्या है, लेटर में क्या क्या है, ठीक है, पैराग्राफ में क्या क्या था, आर्टिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके टाइटल होते हैं, ये कैसे उसमें कोहरेंस होती है, कैसे सेवन सीज होती हैं, कैसे उसका फॉर्मेट होता है, कैसे फॉर्मल होता है, कौन कौन सी कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसकी टोन, एवरीथिंग वट एवर यू। तो इस प्रकार हमने लेटर्स को अगर ध्यान देना है। उसके बाद एरर आइडेंटिफिकेशन, आपने एरर भी पहचानना आना चाहिए, ग्रामर में पंक्चुएशन कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हमने रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और आप क्या करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, आप जो ना जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, टेंस हैं, नाउन है, कौन सा टेंस पूछ लेगा, कौन सी नाउन है इसके अंदर, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स है, ये नाम आने चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि आपको जैसे ग्रामर है, ग्रामर में आपको टेंसेस आते हैं, टेंसेस में पूछ लेंगे कि यस्टरडे है और डेली है, ये कौन से टेंस में आते हैं, टेंस चेंज करना नहीं पूछेंगे कई बार,
वो पूछ लेंगे इसके रूल्स क्या हैं। यहाँ आपको मैंने सीयूटी में फर्स्ट टाइम देखा है कि पंक्चुएशन में, ग्रामर में कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं दे आस इन एग्जामिनेशन, जो बाकी किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। कि वो ये पूछे कि सेवन सीज ऑफ लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर फॉर्मल क्यों होता है, फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होता है, फॉर्मल लेटर में बॉडी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन टाइप सम टाइम दे आस्क। तो टेंस और रिकॉग्निशन करना, उसके बाद इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। और जो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो मेन बेसिकली हम क्या कराएंगे आपको, जैसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज हमने एक फर्स्ट वीडियो में तो क्या बताया था आपको, सिलेबस। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है इंग्लिश प्रिपरेशन में, इसमें हमने बताया था स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज और यू कैन से स्टेप्स, क्या स्टेप रहेंगे हमारी तैयारी के, हमारी प्रिपरेशन के क्या स्टेप्स रहेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर हम जो ना रीडिंग कंप्रिहेंशन में कितने आरसी के अंदर हम कितने जो ना डेज देंगे, कितनी प्रैक्टिस देंगे, क्योंकि 25% क्रेडिट है आपके 200 में से जो ना ये आप भी मान लो कि 20 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, 50 में से, बल्कि ज़्यादा हो जाते हैं मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, 50 में से 20 क्वेश्चन आ गए तो आप देख लो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी होगी आपको एक वो भी बताया जाए, सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस के लिए रीड लर्न एक्सेल पे दे ले जाएं, .com पे हमने आज ही पब्लिश कर दिया है लास्ट ईयर का 2023 का, 2023 मई का में जो एग्ज़ाम हुआ था वो किया है, लेकिन उसमें मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अगली हमारी स्ट्रेटजी रहेगी रीडिंग कम्प्रीहेंशन कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें कम से कम मैं 4 वीडियोज़ बनाऊंगा, 4 वीडियोज़ बनाऊंगा, इसके अंदर 20 × 4 80 क्वेश्चन रहेंगे, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा। उसके बाद मैं ग्रामर पोर्शन लूँगा, उसके हर टॉपिक के मिनिमम एक वीडियो बनाऊँगा। जो भी आपने 10+2 तक ग्रामर पढ़ी है, जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नाउन्स है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, वॉइसिस हैं, कंजंक्शंस हैं, एवरीथिंग आपको एग्जाम में मिलेंगी। और दूसरा तरीका, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो ना एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इनको रट लें, क्रैम करें, क्रैम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, अफेयर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आज देश में चल रहे हैं, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, करप्शन है, ये सब चीजें आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हम एवरी वीक संडे या सैटरडे को आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी रहेंगे। उसके बाद आपको लगातार एग्जाम से पहले 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपको करवाए जाएंगे। इस प्रकार हमने आपको बताया किसी भी युद्ध में भी जाने के लिए
किसी भी चीज में जाने के लिए आपको, आपने मान लो लंदन जाना है, और लंदन में कहाँ कहाँ घूमना है, इफ यू डोंट प्रिपेयर द आइटनरी, आइटनरी नहीं बनाएंगे, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, कब की टिकट है, कितने की टिकट है, कैसे वीजा लगेगा, वीजा के प्रोसेस है, सेम थिंग इज विद सीईटी और ऑल एग्जामिनेशन। सो एग्जाम कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है, एग्जाम की देने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए भी एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो तीन प्रकार की स्ट्रेटजीज आपको रिक्वायर्ड होंगी, एग्जाम से पहले एग्जाम के बारे में जानना, तैयारी से पहले तैयारी में जानना, हम कैसे कैसे हमने अपना टाइम टेबल बनाना है, कितने घंटे कितने आवर्स हमें देने हैं, इंग्लिश को कितने आवर्स देने हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कितने देने हैं, जनरल टेस्ट को कितने देने हैं, बिकॉज कॉलेज टू कॉलेज रिक्वायरमेंट्स विल बी डिफरेंट। और मीन टाइम इसके पैरेलल साथ साथ हम दूसरा जो चैनल है हमारा इन्फो यूनिवर्सिटीज, उसमें आपके सभी कॉलेजेस के बारे में भी बताएंगे, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जाए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन सा कॉलेज में कौन सा कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या चाहिए, बीकॉम ऑनर्स में क्या चाहिए, सैयद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में कैसे एडमिशन मिलता है, एसआरसीसी में कैसे एडमिशन मिलता है, क्या क्या टेंटेटिव कट ऑफ रहेंगी, क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, और द लास्ट आप ध्यान रखें ज़्यादा वीडियो फॉर्म भरने पर ना लगाएं, अपना फॉर्म 26 मार्च तक भरिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन, ये पोस्टपोन होने वाला नहीं है। फर्स्ट थिंग 15 से 30 मई के बीच में एग्जाम्स होंगे, ये कंफर्म हो गया है आज कि 15 से 30 मई के बीच में ही एग्जाम होंगे, एक्सेप्ट एनी डेट विच इज बी यू कैन से वेर द इलेक्शन विल बी ऑन दैट डे, दैट पेपर विल बी पोस्टपोन। जिस दिन इलेक्शन हुआ किसी भी फेज में इंडिया में, उस दिन वो डेट आपको अवॉइड कर दी जाएंगी और आपको उस डेट की एक्स्ट्रा डेट मिल जाएगी। किसी बच्चे का 22 मई का एग्जाम है, मान लो 22 मई को मान लो इलेक्शन का हमारा फोर्थ फेज है या सेवन सिक्स्थ फेज है, फिफ्थ फेज है, वट एवर इट इज, वो डेट आपको उस दिन वाले बच्चों को, अभी अभी तो एनटीए आपको ये देख रही है कि जैसे 26 आएगी दे विल ट्राई टू एनालाइज द डेटा, कितने बच्चों ने भरा है, कौन से रीजन से भरा है, किस रीजन में किस प्रकार के सेंटर्स होंगे, मैनुअल होगा, ऑनलाइन होगा, सब स्ट्रेटेजी से डेटा बेस्ड होगी, जो आपने डेटा भरा कौन कौन से आपने सेंटर्स भरे, कहाँ वो सेंटर क्या वहाँ से क्लैश हो रहा है, डेट क्लैश हो रही है इलेक्शन के साथ, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो इन चीज़ों का आप चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी करते रहें, बस दैट्स ऑल, अपनी प्लान बनाएं और मेरे साथ तैयारी करें, और मैं आपके साथ एडमिशन तक रहूंगा। प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, और यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, हाउ टू चूज ए गुड कॉलेज एंड कोर्स, दैट इंफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबली यू विल गेट ऑन इन्फो यूनिवर्सिटीज यूट्यूब चैनल है, ये आपका पूरा कॉलेज की लाइफ जर्नी में आपके साथ रहेगा, कैरियर टिल योर फाइनल एकेडमिक जर्नी। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी मेन पॉइंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑल, अल्टीमेटली व्हाट आर गोइंग टू हैपन, इज देर एनी चेंज इन डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, नो फॉरगेट इट, स्टिक टू वट एवर इज बींग गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ एनटीए। सो सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।